गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज के सेशन में हम फोक डांसेस ऑफ इंडिया यानी भारत के लोक नृत्य पढ़ेंगे। ये वीडियो नंबर 1 है, हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था। टोटल 10 वीडियो आएंगे, ये वो भी स्टेट वाइज हमने कवर किया है। तो यानी ए अल्फ़ाबेट से, आज के सेशन में जो है ए अल्फ़ाबेट से जितने भी स्टेट्स हैं उनके लोक नृत्य को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश। आज के वीडियो में हम अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड असम, इन तीन स्टेट्स के फोक डांसेस लोक नृत्य को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो इसके फोक डांसेस हैं पासी कौन की, बोडो छाम, लॉयन एंड पिकॉक डांस, पोनंग डांस और पोपीरी डांस। इन तीनों को, इन तीन नहीं है बल्कि ज़्यादा ही हैं, तो इन सभी को हम कैसे याद करेंगे? देखिए, बहुत आसान सी ट्रिक बनाई हमने। जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश को हम बनाएंगे अरुण नाम का कोई व्यक्ति है, तो अरुण के पास जो है वो, मतलब अरुण मान लीजिए कि 12 से 2 के बीच में जो है आराम कर रहा होता है। 12 से 2 यानी दोपहर का समय है, वो आराम कर रहा होता है। तो अरुण के पास 12 जब वो आराम कर रहा होता है 12 से 2 के बीच में, तो अचानक उसके पास में एक लॉयन आ जाता है यानी शेर आ जाता है, और उसको देखकर भैया अरुण की पुंगी बज जाती है और पोपट हो जाता है। ठीक, तो ये आप स्टोरी थोड़ा सा याद रखेंगे। तो अरुण से आप बनाएंगे अरुणाचल प्रदेश, पास से अरुण के पास आया ना लॉयन, तो पास से बनाएंगे हम पासी कौन की, सबसे पहला है ये। उसके बाद 12 से 2 के बीच में वो आता है लॉयन, तो 12 से 2 के बीच में यानी बारडो छाम, बॉडो छाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लॉयन आता है, तो लॉयन एंड पिकॉक डांस याद रखिएगा। उसके बाद पुंगी बच जाती है उसकी, तो पुंगी से हम बनाएंगे पोनंग, और पोपट हो जाता है, पोपट से बनाएंगे पोपीर। क्लियर है? जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे क्योंकि कम टाइम में मुझे कवर करना है इसको, बहुत लंबा नहीं करना। तो सेकंड आते हैं हम असम। असम के बारे में जब हम असम में जितने भी हम देखेंगे वो सब आपको देखा, आप नोटिस करोगे कि सारे के सारे जितने भी लोक नृत्य हैं वो बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला है बीहू। बीहू सब जानते हैं कि असम का लोक नृत्य है लेकिन जो है हम इसमें, सॉरी गलत, थोड़ा मेरा ख़राब है, तो इसमें हम सिर्फ बीहू नहीं कवर करेंगे बल्कि बीहू के जितने भी टाइप्स होते हैं, जैसे 3 प्रकार के बीहू मनाए जाते हैं, रंगाली बीहू, कंगाली बीहू एंड भोगाली बीहू, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो देखिए, रंगाली बीहू जो होता है, आपको ध्यान लग रहा होगा कि लोग क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। अप्रैल, देखिए अप्रैल के महीने में मनाया जाता है ये लगभग। यहाँ पे इस रंगाली बिहू में ये लोग अपने नए साल को मनाते हैं, और बसंत ऋतु जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम ये लगभग मनाते हैं। तो रंगाली बिहू में जब इनका, आप लोगों को पता होगा कि असम का जो अपना, जो असम के लोग हैं अपना नया साल जो है 15 अप्रैल को मनाते हैं, तो उस टाइम लगभग आपका रंगाली बिहू मनाया जाता है। यानी जब नया साल आता है तो हम लोकनृत्य कह रही हूँ मैं, यानी कि वो क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं ना नए साल पे, तो रंगाली बिहू आप ऐसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद कंगाली बिहू, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई कंगाल हो गया है, तो एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे क्या होता है, अक्टूबर के महीने में ये कंगाली बिहू मनाते हैं, तो इस टाइम क्या होता है, फसल काटने का समय होता है और इस टाइम उतने अनाज होते नहीं है, तो लोग लगभग क्या होते हैं, कंगाल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कंगाली बिहू। यहाँ इस टाइम में होता क्या, ये लोग सेलिब्रेट कैसे करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि शाम के टाइम खेतों के आसपास क्या करते हैं, दिए जलाते हैं ताकि उनकी फसल क्या हो, अच्छी हो। तो कंगाली बिहू, अनाज बहुत कम होता है खाने के लिए, यानी कंगाली वाला सिचुएशन इनके पास रहता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कंगाली बिहू। नेक्स्ट है भोगाली बिहू। भोगाली में क्या होता है, ये जनवरी के टाइम मनाया जाता है, ये लगभग जब फसल काटने का समय होता है तो इनके पास जो है अनाज ढेर सारा हो जाता है, तो ये क्या लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए बोला जाता है भोगाली बिहू। क्लियर है? और इनको देखिए, अदर नेम भी है इनके, रंगाली बिहू को हम बोहाग बिहू भी कहते हैं, कंगाली बिहू को हम कटी बिहू भी कहते हैं, और भोगाली बिहू को हम माघ बिहू भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बगुरुम्बा। तो बगुरुम्बा में, बिहू के बाद बगुरुम्बा जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बगुरुम्बा भी, अब देखिए बिहू बगू, बिहू बगू, अब ट्रिक भी मैंने यहाँ पे साइड में लिख दी है, बिहू बगू दोनों को कोरिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद बिच्छू नृत्य। तो देखिए, बिच्छू काट लेता, हम असम को बनाएंगे आसमान से, तो जब बिच्छू काट ले तो बिल्कुल आसमान दिखाई देने लगता है ना, आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो बिच्छू काट लेने से आसमान दिखाई देने लगता है, तो आसमान से बना लेंगे असम। भोरताल, और भोर में जो है आप आसमान देखो कितना सुंदर दिखता है, तो भोरताल भी कहाँ का फोक डांस है, लोक नृत्य है, असम का है। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं, विलासिनी नाट्यम है, वीर नाट्यम है, दिमसा नृत्य है, लंबादी नृत्य है और कोलाट्टम है। ध्यान रखिएगा ये 5 जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विलासिनी और वीर नाट्यम जो है कुछ सेम सा है, तो हम इसको वीर से कनेक्ट करेंगे, और आंध्र प्रदेश को बनाएंगे अंधा। आंध्र प्रदेश को हम बनाएंगे अंधा, अंधा से याद करेंगे। देखिए,
आप किसी भी अंधे व्यक्ति से मिलिए तो वो कभी भी अपने मतलब कभी भी आप उसको मिल के आपको ये नहीं लगेगा कि वो बहुत अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है। उनके अंदर बहुत साहस होता है, यानी वो बहुत वीर होते हैं अंधे होने के बावजूद भी। तो वीर से याद रखिएगा वीर नाट्यम। और विलासिनी का मुझे उतना बन नहीं पाया, तो आप वीर विलासिनी अब दोनों को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। जब आप वीर बोलिएगा तो विलासिनी, वीर विलासिनी। और वीर कौन था आपको तुरंत याद आएगा कि अंधा व्यक्ति था वीर, तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद धिमसा नृत्य जो है, धिमसा को कैसे ध्यान रखेंगे, तो अब जो भी अंधा व्यक्ति होगा उसको हर चीज़ कैसी दिखाई, अगर दिखेगी भी तो बहुत डीम डीम से दिखेगी, डीम यानी बहुत कम रोशनी की तरह दिखेगी। तो अंधे को कैसे दिखाई देता है, बहुत डीम दिखाई देता है, तो डीम से बना लेंगे धिमसा। उसके बाद लंबादी, लंबादी यानी लम से हम बना लेंगे लैम्प, ठीक है। तो अंधे को लैम्प में भी दिखा दो रोशनी में भी तो भी नहीं दिखेगा, ठीक है, तो अंधे को लैम्प भी नहीं दिखेगा। कोलाटम, कोलाटम को कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए हम आपको एक अच्छे से ट्रिक बता रहे हैं। जितने भी अट्टम वाले डांस होंगे, अट्टम वैसे तो हम ये तमिलनाडु का नहीं हम कवर कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो अट्टम वाले 99.9% जो अट्टम वाले डांस होते हैं वो तमिलनाडु के होते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो कोलाटम है वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो जब हम तमिलनाडु टी से कवर करेंगे वीडियो, आई थिंक वीडियो नंबर 9 में, तो हम आपको उसमें कवर करा देंगे। तो बस कोलाटम याद रखिएगा। देखिए एक और ट्रिक बता दे रहे हैं, नहीं भी याद होगा तो देखिए, कोल कोल कैसा होता है, काला, और अंधे को कैसे दिखता है, हर चीज़ काला दिखता है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा आंध्र प्रदेश का, असम का एंड अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कवर करेंगे बिहार एंड छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।